जब भी हमारे देश में इंडिपेंडेंस डे या कोई त्यौहार आने वाला होता है, उस त्यौहार के रंग में भंग डालने के लिए कोई न कोई आतंक फैलाने की फिराक में जरूर होता है। हालांकि 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से इन टेररिस्ट एक्टिविटीज पर काफी कंट्रोल हुआ, लेकिन फिर भी आतंकियों को इग्नोर करने की गलती नहीं की जा सकती। अभी कुछ दिन पहले पुणे में स्वतंत्रता दिवस के दिन ब्लास्ट की तैयारी करने वाले दो आतंकियों को अरेस्ट किया गया है, जो अपने नापाक मंसूबों से देश की शांति को भंग करने की कोशिश में थे। क्या है पूरा माजरा, आपको बताते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। 13 फरवरी 2010 को पुणे के कोरेगांव पार्क में स्थित जर्मन बेकरी में हुए ब्लास्ट को कोई कैसे भूल सकता है, जिसमें 17 लोगों की मौतें हुई थी और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और 26/11 के आतंकी हमले तो आज भी जहन में ताजा हैं। उस समय भी पी चिदम्बरम ही होम मिनिस्टर थे। ये सभी बड़े ब्लास्ट 2014 के पहले हुए थे। ऐसा नहीं है कि उसके बाद आतंकी हमले नहीं हुए, लेकिन कुछ हद तक इस पर कंट्रोल जरूर रहा। स्लीपर सेल्स को भी ढूंढ ढूंढ कर मौत की नींद सुलाया गया, लेकिन ऐसा लगता है कि आतंकी एक बार फिर से पनपने लगे हैं। महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट से रिसेंटली दो संदिग्ध आतंकियों को अरेस्ट किया गया है। उनसे इंक्वायरी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पता चला है कि आरोपी पुणे शहर में मोटर बाइक से ब्लास्ट करने की साजिश रच रहे थे। इतना ही नहीं, उनके मंसूबे इतने बढ़ गए थे कि उन्होंने ड्रोन से पुणे के कई क्राउडेड एरियाज की रेकी भी की थी। इस इंक्वायरी में पता चला कि ये लोग बाइक में विस्फोटक रखकर धमाका करने की फिराक में थे। फिलहाल अब इस मामले की जांच एटीएस को सौंप दी गई है। लेकिन आप जरूर सोच रहे होंगे कि आतंकी पकड़े कैसे गए। दरअसल कुछ दिन पहले पुलिस ने आमिर अब्दुल हमीद खान और मोहम्मद याकूब साकी दोनों को मीठा नगर कोंडवा से अरेस्ट किया था, जबकि उनका एक और साथी मोहम्मद शाहनवाज आलम फरार हो गया। खान और साकी पुणे के कोथरूड एरिया से टू व्हीलर बाइक चोरी करने की तैयारी में थे। दोनों के पास फेक आधार कार्ड, ड्रोन के सामान, कारतूस, पिस्तौल, ये सभी बरामद हुए हैं। साकी और खान के रिलेशंस आतंकी संगठन आईएसआईएस के उप संगठन सूफा से थे। ऐसे में जब 15 अगस्त नजदीक है, पुलिस विभाग ने सतर्कता बरतने के लिए नाकाबंदी और तलाशी का ऑर्डर दिया है। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि सिस्टम में ऐसा कौन सा लूप होल है जिसकी वजह से आतंकी बिना डरे खुलेआम आतंक फैलाने की सोच रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। एंड कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।